आपको मुझे एंटी हिंदू कहना है, आपको मुझे प्रो मुस्लिम कहना है, आपको मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग कहना है, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए। तो एक और मंदिर हम बना लेंगे तो कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे? बिकॉज इफ यू पुट अ गन टू माई हेड एंड से जय श्री राम, मैं नहीं बोलूंगा। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो मुल्क का ट्रेलर देखने के बाद इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म मानते हैं? क्या आपको लगता है कि फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा, जिनको ट्विटर पर एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम, एंटी नेशनल, एंटी गवर्नमेंट कहा जाता है, उन्होंने ये फिल्म इसलिए बनाई है ताकि वो अपने हेटर्स को जवाब दे सके? I mean, just wanted to know, is Mulk an anti-propaganda film with a counter narrative or something, or चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मुल्क वाकई में एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। मेरे घर में मेरा स्वागत करने का हक उन्हें किसने दिया? अगर आपने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर अनुभव सिन्हा की स्पीच को सुना तो उन्होंने बहुत खुलकर बात करी। उन्होंने बताया कि वो एक बनारस जैसे हिंदू मेजोरिटी शहर में बड़े हुए और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे मुस्लिम मेजोरिटी जगह में पढ़े, तो उन्होंने दोनों तरफ की सिचुएशन को बहुत ध्यान से पढ़ा है। लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों की शिकायत ये है कि अगर ऐसा है तो आपकी फिल्म सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू को क्यों दिखाती है? आप मेरी दाढ़ी और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फर्क नहीं कर पा रहे तो भी मुझे हक है मेरी सुन्नत निभाने का। फिल्म क्या दिखाती है तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अनुभव सिन्हा के अनअपोलोजेटिक एटीट्यूड को देख के यही लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने के मूड में है। पहले आपकी जानकारी के लिए इतना बता दे रहा हूँ कि टेररिज्म की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है। फिल्म की टैगलाइन कहती है व्हेन योर ओन डिसओन यू, यानी इतना तो क्लियर है कि फिल्म माइनॉरिटीज की तरफ देश में बढ़ते इनटॉलरेंस के अगेंस्ट जो नैरेटिव बना है उसको एनकरेज करती है। इनके समाज में बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो परिवार के किसी एकाध सदस्य को जिहाद के काम पे लगा दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल ये है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुभव से एक रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा कि क्यों एक कम्युनिटी का यूथ टेररिज्म की तरफ जा रहा है, तो सुनिए उन्होंने ये कहा। न्यूज पढ़ते हैं आप? टीवी देखते हैं? यस। नहीं देखते? देखते हो सर। कल आपके देश के दो मंत्रियों ने दंगा करने वाले हिंदुओं को फेलिसिटेट किया, पढ़ा आपने? सवाल का जवाब खत्म। लेकिन ये सोचना भी गलत होगा कि अनुभव इस सवाल से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सबूत है इस फिल्म में प्रतीक बब्बर का रोल। अभी नहीं आ सकेंगे हम लड़ाई पर निकले हैं अपने मजहब के लिए। खुदा हाफिज़। एक सवाल ये भी है कि क्या अनुभव इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक आवाज उठाना चाहते हैं? वैसे इस मुद्दे पर तो अनुभव का जवाब सुनके यही लगता है कि वो सेफ प्ले करना चाहते हैं जिससे कि ये फिल्म कंट्रोवर्सी से तो बची रहे। सरकार तो एक्चुअली बहुत इररिलेवेंट है, मुझे तो पता भी नहीं कितनी सरकारें आई हैं 47 से लेकर आज तक। लेकिन अनुभव का ये रिस्पांस तो कोई दूसरी कहानी कहता है। वो टीवी पे मुल्ला शब्द का इस्तेमाल करता है, मैं नाम नहीं लूंगा, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता एक राजनीतिक पार्टी के हैं। तो अभी कौन सी पार्टी है और कौन सा प्रवक्ता है ये तो शायद आप जानते ही हैं। अनुभव सिन्हा अपनी स्पीच के दौरान ओम नमः शिवाय का स्कार्फ पहने हुए थे। मैं स्मार्ट लग रहा हूं ना? तो उनका डिक्लेरेशन साफ है, मैं कुछ भी कहूं लेकिन आप लोग मत भूलेगा कि मैं एक हिंदू हूं। ये धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और बाद में कहते हैं कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता। अनुभव का ट्विटर बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बोलता है। अगर आप उनके ट्विटर पर जाएं तो वो ज्यादातर ट्रोल्स को आंसर करते हुए दिखेंगे। लेकिन कल ही उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को फॉलो किया और ये बात उन्होंने अनाउंस भी करी है। अनुभव एक सेक्युलर इंडिया की विश रखते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं, लेकिन लोगों के मन में यही डाउट है कि कहीं इस फिल्म के पीछे कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं। इस बात का जवाब हमको बहुत जल्दी मिलेगा। इनका पूरा परिवार ही इस आतंकवादी साजिश का हिस्सा है। मूल कहानी है एक ऐसे मुस्लिम शख्स की जिसे अपनी ही कंट्री में अपनी देशभक्ति प्रूव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। फिल्म में ऋषि कपूर, तापसी पन्नू, आशुतोष राणा, रजत कपूर जैसे कई स्ट्रॉन्ग एक्टर हैं और ये फिल्म रिलीज होगी 3 अगस्त को। आपकी क्या राय है फिल्म के बारे में प्लीज कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू देसी मार्टिनी।